नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज स्वेटर में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालें, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें सम संख्या में फंदे चाहिए, यानी के मल्टीपल में फंदे चाहिए, इवन नंबर में फंदे। ये डिजाइन सामने की तरफ से पड़ता है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब उनको दूसरी तरफ ही रहने देंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक और दो। और ये जो हमने जब हम दूसरी तरफ फंदा रख के दो फंदा उल्टा बुने हैं, तो ये जाली की तरह बन गया है। तो फिर हम इसको उठाएंगे और इन दोनों फंदों के निकाल लेंगे। अब फिर हम उनको दूसरी तरफ करेंगे और इधर ही ऊन रखे हुए दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो। अब देखिए ये जाली की तरह पड़ गया है, ये जाली की तरह है, तो इसे हम उठाएंगे। ऐसे पीछे की तरफ से उठाने से आसानी से उठ जाएगा। इन दो फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब फिर उनको दूसरी तरफ कर देंगे और नेक्स्ट दो फंदे उल्टा बुनेंगे। देखिए ऊन इधर है, यानी ये जाली पड़ जाएगा, तो दो फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। अब इस जाली को उठाएंगे और दोनों फंदों को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे, जाली को दोनों के फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर उनको दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, जाली को उठाएंगे और दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। देखिए ये दो दो का सेट बनता जा रहा है। इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, उन दूसरी तरफ करना है, फिर दो फंदे उल्टा बुनना है, अब जाली को उठाना है और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है, उन दूसरी तरफ दो फंदा उल्टा, और ये जो जाली बन गया है उसको उठाएंगे और दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो पूरी सिलाई में हमें यही करना है, दो ही फंदे का ये डिजाइन है। इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए दो दो के क्रम में ऐसे फंदे हो गए हैं। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले दो फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और जाली को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब देखिए ये हमारे दो दो के ग्रुप में बने हुए हैं, तो तीसरे लाइन में हम एक फंदा एक डिजाइन से और दूसरे फंदा दूसरे डिजाइन से लेंगे, यानी डिजाइन एक फंदा आगे बढ़ जा रहा है। अब हम उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए एक
फंदा ये इस डिजाइन से बचा हुआ है और एक फंदा हम दूसरी डिजाइन से लेंगे और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम जाली को उठाएंगे, इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर उन दूसरी ओर दो फंदा हम लेंगे, देखिए एक इस डिजाइन से एक दूसरे डिजाइन से। अब डिजाइन जो है वो दो फंदों दो डिजाइन के बीच में बनेगा, यानी डिजाइन एक फंदा आगे आ गया है। उन दूसरी तरफ रखे हुए और दो फंदों को हमें उल्टा बुनना है और फिर जाली को उठा के दोनों फंदों को उसके अंदर से निकाल लेना है। अब लास्ट में दो फंदे बचे हैं तो इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पांचवी लाइन से फिर हम अपना पहला लाइन दोहराएंगे, यानी पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी तरफ ही रहेगा, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर जाली को उठाएंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर उन दूसरी तरफ दो फंदा उल्टा और जाली को उठा के दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो बेसिकली दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है और एक ही सिलाई का। तो देखिए फ्रेंड्स, दो ही फंदे का ये डिज़ाइन है और एक ही सिलाई का। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके स्वेटर की शोभा बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।